नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप दुबे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं HDB फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट और सवाल आ रहे थे कि हमारा जो HDB फाइनेंस में लोन चल रहा था और मैं मोराटोरियम को एक्टिवेट नहीं करना चाहता हूं, मैं हर महीने EMI पे करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूं। मैंने पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और मेरा पेमेंट हमारे ऐप में शो नहीं कर रहा है और हमारे पास मैसेज आ गया हमारे अकाउंट से पैसा कटने वाला है। मैंने पेमेंट कर दिया फिर भी हमारा पेमेंट अपडेट क्यों नहीं हुआ, मैंने पेटीएम से किया था। बहुत सारे सवाल लोग हमें कर रहे थे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आधा मत देखना, नहीं तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस HDB फाइनेंस का जो मोबाइल ऐप है, मैं इसको लॉगिन करके आपको ले चलता हूँ, स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आप लोग के सामने देखिए मेरा जो लोन है एक्टिवेट है और मेरा जो मंथली EMI है 2000 रुपये का है और मेरा जो EMI का डेट था, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हर महीने के 2 तारीख को मेरा EMI जो है हमारे बैंक से ऑटो डेबिट होता है। दोस्तों, मैंने मोराटोरियम को एक्टिवेट नहीं किया था, मैं इससे बाहर निकल गया था दोस्तों, बट इसमें एक शर्त है, मैं इस पैसे को जो है पेटीएम से किसी और थ्रू पे नहीं करूंगा, ये पैसा हमारे अकाउंट से कटेगा। चलिए दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में आपको एक रियल जानकारी बताऊंगा जो आपको नहीं पता। दोस्तों, इस कंपनी की पॉलिसी क्या है, अगर आपका ECS एक्टिवेट है, अगर आपका ECS एक्टिवेट है दोस्तों, तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक से कटेगा। अगर मान लो इनकेस अगर पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता है, जब तक ये आपको सामने से कॉल करके नहीं बोलते हैं कि आप पैसा मुझे पेटीएम से या ऑनलाइन पे कर दो, तभी आप पे करना। अगर दोस्तों इनकेस अगर मान लो आपका ECS एक्टिवेट भी है और आपका पैसा अगर आपके बैंक से नहीं कटा, अगर आपने इनका पैसा पेटीएम से या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो वो पैसा इनके सिस्टम में अपडेट होने में बहुत समय लगता है, वैसे अपडेट होता ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ये बोलते हैं कि 3 से 5 दिन लगते हैं ये पैसा अपडेट हो जाएगा, बट दोस्तों अपडेट होने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और इस टाइम लॉकडाउन है तो इसलिए ये पैसा अपडेट होने में आपका टाइम लगेगा और अपडेट भी नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम जो है आपसे एडवांस में पैसा नहीं लेंगे। अगर आप इनको एडवांस में EMI पे करोगे तो एडवांस में पैसा ये नहीं लेते हैं। इनका पॉलिसी है हर महीने में पैसा आपके अकाउंट से काटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी ECS के थ्रू। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी अपनी कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने एक बार इस कंपनी से लोन लिया दोस्तों, बहुत पहले की बात है, और मेरा पैसा मेरे बैंक से नहीं कटा। गलती इन लोग का था, इन लोग ने ECS भेजा नहीं, पैसा कटा नहीं, तो मैं करीबन 1 महीने तक इंतजार किया, मेरा पैसा मेरे बैंक से कटा नहीं, तो फिर मैंने पेटीएम से पैसा पे कर दिया, मेरा पैसा हमारे अकाउंट में इस हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ। दोस्तों, फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, बोला सर मैंने पैसा पे किया, ये पैसा हमारे सिस्टम में अपडेट क्यों नहीं हुआ। बोला सर कि ये पैसा हमारे सिस्टम में अपडेट नहीं होगा, ये पैसा आपको हम रिफंड कर देते हैं दोस्तों सर जो है, क्योंकि ये जो पैसा है आपके बैंक से कटेगा। दोस्तों, बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया कि हमारे बैंक में ECS भेज के अपना पैसा फिर से काट लिया दोस्तों, और इसके बाद जो है जो पैसा मैंने पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट किया था, उस पैसा के इन्होंने हमारे बैंक में वापस कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भी आपने पेटीएम से या ऑनलाइन पेमेंट किया दोस्तों, वो पैसा आपको अकाउंट में रिफंड मिलेगा, ये आपके अकाउंट से पैसा दोबारा काटेंगे। आपने पेमेंट कर दिया है फिर भी ये आपके अकाउंट से पैसा ECS के थ्रू दोबारा आपके अकाउंट से काटेंगे। अपने अकाउंट में पैसा आप मेंटेन करके रखना, अगर आप पैसा नहीं रखोगे तो आपको ECS बाउंसिंग चार्ज लगेगा प्लस पेनाल्टी चार्ज लगेगा दोस्तों। तो इनका ये पॉलिसी है दोस्तों, तो मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। इस कंपनी का बहुत बड़ी पॉलिसी ये है कि ये कंपनी आपसे कोई भी एडवांस पैसा नहीं लेती है। इस कंपनी का एक रूल है, ये ECS से ही पैसा लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बैंक का बंदी है या मार्केट बंद है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको अपने अकाउंट में पैसा रख के छोड़ देना है। ये पैसा काटें चाहे ना काटें, चाहे भूल जाए, उससे आपको मतलब नहीं है, आपको अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन के रखना है। अगर ये पैसा नहीं काटते हैं, कल को अगर आपको पेनाल्टी चार्ज लगाते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप बैंक का स्टेटमेंट लेके चले जाना इनके ऑफिस में, या तो इनको ईमेल करना कि डियर सर मैंने अपने अकाउंट में जो है पैसा रखा था, आप लोगों ने नहीं काटा, इसमें मेरी गलती क्या है। 100% ये आपका हेल्प करते हैं दोस्तों, बट आपको कभी भी गलती से इनका जो EMI है ऑनलाइन, या कभी भी आपको पेटीएम से पे नहीं करना चाहिए। जब तक ये आपको कॉल करके नहीं बोलते हैं कि सर आप पैसा पे कर दो ऑनलाइन, तभी आप पे करना। जब तक आपको ये नहीं बोलते हैं, आप पैसा पे मत करना, अगर आप पे करोगे तब भी ये आपके अकाउंट से पैसा काटेंगे। अगर दोस्तों आपने पैसा पे कर दिया है ऑनलाइन वेबसाइट से पेटीएम से, तो आपका पैसा अपडेट होने में टाइम लगेगा। अगर
अपडेट नहीं होगा तो आपके अकाउंट से पैसा दोबारा कटेगा, जो आपने पैसा पे किया है ऑनलाइन वो पैसा आपका रिफंड होगा। लॉकडाउन हटेगा तो आपको कॉल करके इनको ट्रांजेक्शन आई डी बताना पड़ेगा कि डियर सर मैंने पैसा पे किया था, इसका ये ट्रांजेक्शन आई डी है, तो वो पैसा आपका रिफंड होगा, जो पैसा आपका इससे कटेगा वही पैसा इनके सिस्टम में अपडेट होगा। तो दोस्तों क्या है कि देखो मेरा पैसा 2 तारीख को नहीं कटा है, देखो यहाँ पे मुझे कोई भी ओवर ड्यू चार्ज यहाँ पे मुझे इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि मैं ये पैसा पे नहीं करूंगा, मैंने अपने अकाउंट में पैसा रखा है, अगर ये पैसा नहीं काटेंगे मैं पे नहीं करूंगा, 1 रुपया पे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं पे कर दूंगा फिर हमारे अकाउंट से पैसा काटेंगे, फिर हमें कॉल के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, फिर हमारा पैसा रिफंड होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ कि इनको एडवांस में भाई पे मत करना, इनकी पॉलिसी बहुत अलग है दोस्तों, हमारे संग हुआ है, जो मुझे नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो शायद मैं आपको जानकारी बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। अगर आपको लोन अकाउंट नंबर नहीं पता है, अगर आप इस ऐप को लॉगिन करना चाहते हो लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर और आपका लोन अकाउंट नंबर रहना चाहिए। अगर आपका लोन अकाउंट नंबर नहीं है तो आपको कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा, कस्टमर केयर इसमें बंद है लॉकडाउन के चलते, तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब लॉकडाउन हटेगा तो कस्टमर केयर चालू होगा तभी आपको जो है लोन अकाउंट नंबर मिलेगा, या तो आप जहाँ से मोबाइल फोन या लोन करवाए थे आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहीं से आपको लोन अकाउंट नंबर मिल सकता है, वैसे भी इसमें दुकान भी बंद है। तो आप बिना लोन अकाउंट नंबर का पैन कार्ड का नंबर का आप इनको इसमें लॉगिन नहीं कर सकते इसके ऐप के अंदर। तो शायद मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, आपके मेरे कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।